ललिता जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ललिता जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है? हेलो, हेलो। बोलिए मैम। बिंदा जी है? बिंदा जी, जी बताएं, चलिए सवाल करिए। मैं नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत जी आपका बहुत बहुत। मैम, हम गोंसिया 10 महीना से खा रही हूँ, और उसके बाद में बी कीयर और एस कीयर और हल्दी प्लस कैप्सूल, उसके बाद में नमक जैतून, तिलगोदा के गन। हमारा घुटना नहीं मुड़ता है, अब बैठने नहीं सकती हूँ। एक तरफ सूजन है, कल मैं डॉक्टर के पास गई है तो बोलता है कमजोरी है। आई सीना है ना, सीना एकदम फूल जा रहा है। नमक जैतून भी खा रही हूँ, तिलगोदा के गन खा रही हूँ, एक तो और कैप्सूल है कुछ वो भी फायदा खा है रही हूँ। आपको दर्द में? फायदा है सर, बहुत फायदा है। फायदा है तो भी तो हमको खा रही हूँ, लेकिन एक ही चीज कम है कि हमारा घुटना मुड़ता नहीं है। आई घुटना तो घुटना मैंने इतना कमजोर हो गया है ना कि थोड़ा सा भी लगता है ना पैर में तो मैंने जा निकल जाता है। जी सर हमको कोई और बताइए, हमको हमको अच्छा कीजिए, हम बहुत परेशान हैं सर। ठीक है। और देखिए, फायदा है और अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो जिन लोगों को फायदा ना हो वो गौंसिया अगर खाते हैं तो एक बार खाते हैं तो दो बार खाने लगें, और दो बार खाते हैं तो तीन बार खाने लगें, चार चार पाँच पाँच घंटे के फर्क से। और मुझे उम्मीद है किसी को ज़्यादा देर में फ़ायदा होता है, किसी की कोई कोई मरीज़ ऐसा होता है कि उसकी तकलीफ़ बहुत बड़ी होती है तो फ़ायदा तो होता है लेकिन बहुत देर में होता है। तो दवा तो आप सही ले रहे हैं, आप थोड़ा ज़्यादा वक्त में अच्छे होंगे, आप भरोसा रखें और इलाज करते रहें। जी, अब जुड़ी हैं हमारे साथ ललिता जी, स्वागत है आपका मैम। हेलो। जी प्रश्न करिए मैम। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। हाँ अरे मुझे सवाल पूछना था कि मेरे पेट, वो डॉक्टर साहब से कि मतलब मुझे पेट की प्रॉब्लम सी रहती है, पेट क्या रहती है पेट में दिक्कत? में गैस वैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, मेरी एसिडिटी बनती है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 46 है। ठीक है। और देखिए, पेट की दिक्कतें ज़्यादातर लोगों को होती हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। किसी किसी को सिर्फ खाना खाने के बाद 2 चम्मच सौंफ खाने से फ़ायदा हो जाता है, आप ये खा के देखें। किसी किसी को ये भी करना होता है कि बेल का मुरब्बा आता है, बेल का मुरब्बा, पत्थर बेल या कोवेट कहते हैं इसे, वो रोज़ाना आधा पीस खाने से, दो बार आधा पीस खाने से फ़ायदा हो जाता है, वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। सबकी अपनी अपनी कम या ज़्यादा दिक्कतें हैं। और एक नुस्खा बहुत अच्छा है जो पेट के तमाम रोगों के लिए, कम ज़्यादा जिसको भी रोग है, और वो पूरे पेट के सिस्टम को अच्छा करता है, और वो ये है सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। ये मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 100-100 ग्राम लीजिए और पाउडर बना के रखिए। और एक आता है नमक जैतून, ये ख़रीद लें, ये अलग रखें। दो चुटकी नमक जैतून और 1 चम्मच ये 6 चीज़ों का पाउडर खाकर पानी पी लिया करें, आप तंदुरुस्त हो सकते हैं। जी,
एमपी से हैं सलाउद्दीन साहब, स्वागत है आपका। जी आदाब। आदाब सर। आदाब। हम वकील साहब से थोड़ी गुजारिश थी कि एक इंसान की 5 नसें जो होके दिल की हार्ट की, तो उनको और उम्र है उनकी 75-80 के आसपास, तो वो उनको अपन ये महलून दे सकते हैं क्या? ठीक है। लहसुन नींबू अदरक और जैतून का सिरका। ठीक है सर। हाँ देखिए, ज़रूर दें उन्हें, और आप तो नुस्खा जानते हैं, अदरक का जूस निकालिए, ज़्यादा सा निकाल लें, 1 लीटर जूस निकाल लें, और लहसुन का भी जूस निकाल लें 1 लीटर, और नींबू का भी निकाल लें, और जैतून का सिरका असली, जैतून के सिरके नकली आ रहे हैं ज़्यादातर, असली जैतून का सिरका उसमें 1 लीटर मिला दें। आप देखें कि जिसको भी ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट ब्लॉकेज, उसको कभी भी एक नर्व में नहीं होते, जैसे आपने कहा 5 ब्लॉकेज हैं, तो किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को कितना, और इतनी उम्र में ऑपरेट भी नहीं करा सकते जितनी उनकी उम्र आपने बताई है। तो मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा, ये बहुत पुराना नुस्खा है, और मैंने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा जिसने ये असली नुस्खा बनाया हो और उसको फ़ायदा ना हुआ हो। तो ज़रूर दें, फौरन से पहले दें, और 5-6 महीने लगातार दें, उनको फायदा मुमकिन है। जी, बात करते हैं कांता जी से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जय हिंद, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल? सर अभी मेरा बेटा है 31 साल का, भी हम 8-9 महीने हो गए शादी को। तो उसके ना मतलब शुक्राणु मतलब 40-45 हो गए बच्चा होने में। ठीक है, ठीक है मैम जी। तो जी जी जी। हाँ देखिए, भिंडी आप जानते हैं ना, भिंडी, भिंडी की सब्जी खूब खिलाया करें उन्हें। राजमा की सब्जी खूब खिलाया करें, और अगर वो मांसाहारी हैं तो बकरे के कपूरे खिलाया करें, और दाल माश की दाल कहते हैं उड़द की दाल को, उड़द की दाल 2 चम्मच दूध में उबालें, और उसकी खीर बनाकर और रोज़ खिलाया करें। ये छोटे छोटे इलाज बता रहा हूँ आपको, और दवा के तौर पर आप 1 चम्मच इसबगोल की भूसी 1 गिलास दूध में मिलाएं, और 1 चुटकी गौन चिलगोज़ा, 1 चुटकी से ज़्यादा ना दें, बहुत तेज़ होता है, 1 चुटकी गौन चिलगोज़ा और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी या 2 चम्मच दूध में मिला के रोज़ाना रात को पिला दिया करें, आपके बच्चे को फायदा होना मुमकिन है। जी, गीता विश्वकर्मा जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। नमस्कार मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, मुझे गैस बनती है। हेलो। ठीक है जी। गैस बनती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी मैडम 49 है। ठीक है। देखिए, गैस बनना और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, एसिडिटी बनना, पेट खराब होना, लीवर की समस्या,
किडनी की समस्या, ये इस उम्र में जहाँ हम 49 को पहुँचते हैं, हर शख्स को होना लाजिम हो गया है, ज़रूरी हो गया है। तो होता यह है कि इन 49-50 सालों में या 40-45 सालों में हमारे जिस्म की को एक बार रिपेयर चाहिए, एक ओवरहॉलिंग चाहिए। जैसे हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो 2-4 साल में उसकी पूरी ओवरहॉलिंग होती है, ऐसी इंसानी बॉडी की भी एक यूनानी रिपेयर चाहिए, ओवरहॉलिंग चाहिए। तो अगर पेट की समस्या है, गैस की समस्या है, कभी लीवर की वजह से ऐसा होता है, कभी सूजन की वजह से ऐसा होता है पेट में, कभी कोई मरज, कभी कोई मरज, तो सौंफ 2 चम्मच या 2 से 4 चम्मच पानी में उबालिए और इतना उबालिए कि पानी जलकर आधा रह जाए। 1 गिलास पानी ले रहे हैं तो आधा जल जाए, आधा रह जाए, उसे छान लीजिए। इस पानी को छानकर इसमें नमक जैतून 2 चुटकी, एक आता है नमक जैतून जो देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये इसकी पहचान है, 2 चुटकी इसमें डाल के दिन में 2 बार पी लिया करें खाना खाने के पश्चात, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हमारे साथ जुड़ सकते हैं नंबर्स पे कांटेक्ट करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। अति हब जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज के देश भर में हैं। प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जो आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अगले कॉलर हैं आशुतोष कुमार जी इलाहाबाद से, स्वागत है आपका। आशुतोष जी आप लाइन पे हैं, आपकी कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गई है सर, कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है, तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हकीम साहब जब आप नुस्खों का जिक्र करते हैं तो हमारे घर के वो मसाले ही हैं जिनके ज़रिए आप नुस्खे हमें बताते हैं, लेकिन अब क्या करें, मार्केट में हर चीज़ तो नकली आने लगी है, हर चीज़ में मिलावट होने लगी है, मसालों में कह लें, हम तेलों में कह लें, घर का खाना शुद्ध बने तो बने कैसे। अब लोगों पे इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर में ही मसाले पीस लें, लेकिन हमें ये शायद जानना होगा और स्पेशली महिलाओं को, क्योंकि उनके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी होती है, वही अपने पूरी फैमिली के पेट का भी ख्याल रखती हैं, घर के मसाले पिसे हुए इस्तेमाल करने कितने फ़ायदेमंद हैं। देखिए बहुत सारी कंपनियाँ चल रही हैं पिसे मसालों की जी, और इस वक्त भरोसा कुछ नहीं, पिसे पिसाई चीज़ों का भरोसा कुछ नहीं, कि जहाँ हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हमें दूध जैसी चीज़ भी असली नहीं मिल पाती, तो हम मसालों पर कैसे भरोसा करेंगे। तो महिलाओं को चाहिए कि साबुत मसाले लेकर और घर पर पीस लिया करें। देखिए ज़्यादातर समझदार महिलाएं पिसे पिसाए मसाले नहीं खरीदती, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार की सेहत की, और इस वक्त क्योंकि सेहत और हमेशा से सेहत सबसे बड़ा ख़जाना रहा है, आदमी की दौलत से भी ज़्यादा ख़जाना रहा है, क्योंकि जब एक आदमी बीमार पड़ जाता है, आज का दौर इतना ख़तरनाक है कि जब एक आदमी बीमार पड़ जाता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो हॉस्पिटल वाले आपका सब कुछ ले लेते हैं, एक ही बीमारी में आपको लाखों रुपया देना पड़ता है, और ज़िंदगी भर एक गरीब आदमी कमाता है और वो अपनी बीमारी में दे जाता है, तो जिसके पास नहीं होता उसका जेवर बिक जाता है, जिसके पास नहीं होता वो किसी से उधार कर्जा लेकर अपना मकान बेचकर भी अपना बच्चों का अपने माँ बाप का इलाज कराता है। तो मेरे महिलाओं से अनुरोध है कि मसाले घर पर पीस लिया करें, ये असली मसाले आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं।
जी। छिंदवाड़ा से हैं आसिफ जी, बात कर लेते हैं। जी सर, आसिफ जी आपकी भी कॉल ड्रॉप हो गई है, फिर से कॉल ट्राई कर लीजिएगा सर, अभी समय काफ़ी है, तो उम्मीद करेंगे कि आपकी कॉल दोबारा लग जाए और आप हकीम साहब से बात कर लें।